अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारा एक और व्लॉग है और ये व्लॉग है किसान के साथ। और ये ज़मीन है हमारी और जिसकी कटाई हुई है चावल की फसल की। अभी किसान से पूछते हैं किसने ये कितने दिनों में कटाई की और किस फसल को तैयार किया। अस्सलाम वालेकुम। सही वालेकुम सलाम। कड़ा हाल खुश है बाबा? खैर दुआ दुआ। अच्छा हाँ, तक बुधायो तो ही फसल तुम कदें का जी कटाई शुरू कई है? बाबा इनके तकरीबन 3 दिन थी गया है। 3 दिन? जी हां। कितना मतलब कितना जन दिन में ता बनी जे के नेत्री कटाई कई है? 15 या तकरीबन ऐसा कई है 10 एकड़। 10 एकड़? जी। जिन दिन में 10 एकड़ जी कटाई? अच्छा सही सही सही। ही कटाई जो ता कई है हने के ता खंडा कदे इनके सही आना सा 3-4 दिन छड़े पोए खंडा से 4 दिन चार छड़े बजा 6 4 दिन छड़े पोए खंडा सही सुकने पोए खंडा जे एड़ा सादा खणे दिखा रहा था के मतलब आलू के बताओ समझा करो। ये दिस ता सोचो ना साई पया। अच्छा ये सुकने पोता असे खंडा से सुकने पोए जी। अच्छा वो ही सुकण में घणा दी लगाईंदी? बस सुकण में ही 3-4 दिन लगी ना पो सुकी ने जी खणा जड़े थी वेंदी। अच्छा जी। अच्छा हिन बनी जो को तवा लाबारो कयो है इन जो मतलब ता 3-4 दिन का पोखण दा जी हां थ्रेशर गाइन जी हां। अच्छा हिन वक्त इन चावल जो रेट वगैरह ता के सही मिले पे ना? जी हां सही रेट सुठो सुठो है मिल दो। जी हां माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तवा मुतमिन आयो मना इन फसल में? जी हां सही असि मुतमिन आयो बिल्कुल मुतमिन। शाबाश शाबाश। अच्छा ही सामो जो को फसल है सही है फुटी है? या फुटी है? जी हां। अच्छा नाजी जी ये कपास का फसल है और इसके बारे में भी पूछेंगे। अच्छा ही जे की फुटी है? जी हां। तो यो छा खत्म थी भई है या अन्या हले पई? सही इनके चूंड शुरुआत करे करे हन आखरी वारन दे जे बिठिया। अच्छा जी हां आखरी वारन आखरी वारन दे। और ये कह रहे हैं कि ये कपास का जो फसल है वो अभी सुनाई हो गई है अभी ये जो ना फाइनल अभी हम यहाँ पे हारी किसान और मुंशी और कंधार इसके बारे में भी बताएंगे कि उसका क्या काम। अच्छा कंधार साहब कहाँ रहा चो? जी सर। अच्छा तमा इन जमीन जा छा आयो कंधार आयो? सर मुंशी आयो कंधार आयो। जी हां सही आयो। जी हां। अच्छा ये मुंशी भी है और कंधार भी है। अच्छा तुझो कम केड़ो होंदो है? सर मुझो कम यो होंदो है त हारिन जे मथा कमकार कराण ए जको फसल तैयार थिंदो है हारिन के देखारिंदा आयो तो भाई हे हन तरीके से कटबो है हे हन तरीके से कबो है एड़ो तरीको अख्तियार कंदा आयो। अच्छा तवा तोजे अंडर में आपको उर्दू आती है ना? जी हां। आपके अंडर में कितने बदल किसान है? मेरे अंडर में तकरीबन 18 18 किसान जो है ना आपके अंडर में? जी हां। वो आपके अंडर में सारा काम कर? जी हां। अच्छा तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसानों के ऊपर कोई मतलब काम वगैरह से हो गलती हो जाती है तो उसमें आपने उसको डांटा वगैरह हो? सर बात ये है जो बंदा कोई कोई ऐसा बंदा होता है काम चोर तो उसी को कुछ ना कुछ कहना पड़ता है उसी वजह से कहते हैं, नहीं तो जो काम वाला बंदा होता है उसको माशाल्लाह हम कभी कहते नहीं, वो काम करता रहता है तो हमारे दिल खुश हो जाती है। तमाम कमदार में मुतमिन आयो? जी सर असि मुतमिन आयो। मुतमिन है? जी हां। अच्छा अच्छा तवा जो बियो केड़ो कम होदो है तवा जो मतलब है ने के हायरन खा अलावा बियो केड़ो ते काम करना है तवा? सर बियो कम यो बने पुखाई पुखाई कराइंदा आयो नहीं उर्दू में बताओ आप उर्दू में? अच्छा सर और दूसरा काम ये जो किसानों जो खेत वगैरह फसल हम उगाते हैं जो फसल लगाते हैं उसकी खाद वगैरह लाना मेरा काम है और उसका बीज वगैरह लाना मेरा काम है और बनी को तैयार कराना मेरा काम है बस यही वगैरह मेरा काम है। अच्छा जी हाँ। तो आपका मतलब ये है कि ये सारा काम जो ना आप इस ज़मीनों का संभालते हैं? जी हाँ। अच्छा जैसे कि आपका ज़मींदार है? जी हाँ। वो कैसा बंदा है, वो कब कब आता है, उसकी क्या जिम्मेवारी है? सर जो हमारा ज़मींदार है वो तो माशाल्लाह अच्छा बंदा है, वो तो ऐसे नहीं है कि रोज़ाना आके बैठे, वो तो कभी कभी आता है वो। अच्छा। सारा हाँ जो सारा सिस्टम है इधर का वो मेरे ही हाथ में है, वो मुझे ही संभालना पड़ता है। ज़मींदार सिर्फ
15 दिन 20 दिन के बाद आता है, वो आके अपना हिसाब किताब पूछता है, भाई ये काम कैसे हुआ, ये काम कैसे हुआ, ये कितनी आमदनी किधर गई, ये कितनी इतनी आमदनी इधर हमने लगाई, बस ऐसे ही उसका काम भी पूछताछ करके वो चला जाता है। बंदा माशाल्लाह जमींदार हमारा अच्छा है। सही सही गुड गुड। अभी ये काम सारे करके अभी वापस जा रहे हैं अपने। अच्छा तो अब ये इसको जो ना इकट्ठा किया है ना? जी हाँ। वो काट के? जी हाँ। जमीनों से लेके यहाँ पे इकट्ठा किया? इकट्ठा किया है। तो उसको कितने दिन लगेंगे इकट्ठा करने में? सर इसको अंदाजे में 3 दिन लग जाएंगे इकट्ठा करने। अच्छा जी हाँ। इकट्ठा करके फिर हम इसको मशीन के अंदर डाल के चावल निकालेंगे। अच्छा इसको इकट्ठा करके अभी जो ना मशीन जो थ्रेशर जी हाँ थ्रेशर वगैरह उसको लगा के 200 चावल निकालेंगे। जी हाँ। अच्छा अभी ये ट्रैक्टर फारिक बैठा हुआ है या इसका भी कोई काम है? अभी तो इसका काम नहीं, अभी तो फारिक बैठा हुआ है, अभी सीजन चलने में बस 10 दिन बाकी है। अच्छा तो ये अब 10 दिन के बाद जो है ट्रैक्टर का काम शुरू हो जाएगा। जी हाँ। अभी अगला फसल कौन सा लगाएंगे आप? सर अभी तो जाहिर बात है रेट के मुख्तलिफ जो चीज़ें देखेंगे, जो जिसका रेट वगैरह बढ़ेगा वही चीज़ लगाएंगे। अच्छा जी हाँ। तो खरबूजे का आपका है कोई? हाँ जी जी वही प्रोग्राम बना हुआ है। अच्छा नाजरीन अभी ये कमदार से बात हुई है और ये कमदार के साथ मुंशी भी है जो मुंशी वाला भी काम करता है। अभी अंधेरा भी थोड़ा होने वाला है तो इस वजह से अभी थोड़ी देर के बाद ब्लॉग को बंद करेंगे।